भैया चार समोसे और एक चाय देना। भाई साहब, हरिया रोडवेज के एक और सारा बाइक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ सीपी में, कनॉट प्लेस में, दिल्ली में, और आपको दिखाने लाया हूँ यहाँ के बहुत ही जबरदस्त चटकारे। भाई बड़े ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल के चटोरी जायके हैं, चटोरी स्वाद है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ये प्रदीप जी की रिकमेंडेशन है। भाई साहब सीपी में घूमते घूमते हम के ब्लॉक में आए हैं जी, बिस्ट्रो 57, और यहाँ पे रिकमेंडेड है कॉफी पियो और साथ में फ्राइज लो, पेरी पेरी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। भैया कितना पुराना सेटअप है? 6 साल। सीपी में के ब्लॉक में बिस्ट्रो 57, एंड ये कॉफी है। पाजी ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ? कॉफी और फ्राइज तो सब जगह मिल जाएंगे, स्पेशल है वो यहाँ की रिलैक्सिंग वाइब के नीचे बारिश के मौसम में। भाई मेरे सामने ही बने हैं और कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, एकदम फ्रेश फ्राइज का ऑर्डर। हर बार जब ऑर्डर आता है तो फ्रेश फ्राइज, कुछ ऐसा सा ये फ्राई है। इसको डिप करते हैं जी, ये चीजी डिप में, एंड हियर्स अ बाइट। सीपी में टहलते टहलते ना के ब्लॉक में अगर आते हो, यहाँ पे बिस्ट्रो 57 सर्च करो, बहुत स्वाद। भाई साहब जिस जगह हम अभी आए ये है जी सिंधिया हाउस की बैक साइड पे, योगेश मिनी समोसा, और यहाँ पे आपको 20 रुपए में 4 समोसे और साथ में एक कप चाय मिल जाएगी। बट मेरी शर्त है आपसे कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हो तो 20 रुपए में आपका काम हो गया, नहीं आपको 50-60 रुपए खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि समोसे जो इतने ज़बरदस्त है कि आपका मन करेगा चार और फिर चार और, मतलब 3-4 बार और हो जाएगा आपका। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है भैया? मिनी समोसा क्यों, मतलब बड़ा वाला क्यों नहीं? बड़े सब जगह मिल जाते हैं, छोटे बहुत कम जगह मिलते हैं, तो यहाँ पे भैया ने छोटे वाले समोसे लगाने शुरू किए। और भैया एक दाना जो आप मूंगफली का डालते हैं उसका रीजन? एक दाना मटर का, एक दाना मूंगफली का, और ये देखो आगे वाली चटनी है जी, धनिया पुदीने वाली जी, और ये प्लेट तैयार। और सर एक चाय भी दे दीजिए प्लीज। थैंक यू भैया। भाई साहब बड़ी प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है और हमारी समोसों की प्लेट जो है वो हमारे पास है, और ये है जी समोसा, इसके ऊपर कुछ मसाला लगा हुआ है, कुछ चटनी है और सौंठ है। तो भाई साहब हियर्स अ बाइट। बॉगर में भाई साहब बेस्ट पार्ट पता क्या है, जैसे वो नीचे का लेयर होता है ना समोसे का, जो ट्रायंगल जहाँ पे बंद होता है वो क्रंची होता है, वो क्रिस्पी होता है ना, ये पूरा समोसा क्रिस्पी है। छोटे से साइज का समोसा, सारा का सारा क्रिस्पी है। अंदर जो इन्होंने मसाला भरा है भाई, उसमें एक मटर का दाना है और एक मूंगफली का दाना है, और वो जो क्रंच है जोरदार है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। साथ में चाय का कॉम्बिनेशन है, और भाई यहाँ पे 20 रुपए में दिल्ली में सीपी में आपको और क्या मिलेगा। भाई साहब सीपी में टहलते टहलते हम हैं जी सूर्य किरण बिल्डिंग के एकदम सामने, पप्पू चाट वाला के पास, और भाई यहाँ पे पप्पू चाट भंडार पे आलू चाट और बहुत ही जबरदस्त फ्रूट चाट मिलती है, खट्टी मीठी चटपटी। सर एक फ्रूट चाट दीजिए, खट्टी मीठी चटपटी। बनाना, मैले शरदा, शरदा जी कोई बात नहीं, अमरूद आ गया। आपने नाम लिया खट्टी मीठी चटपटी, तो खट्टी मीठी चटपटी चटनियों से होगी। अच्छा एप्पल आ गया, बब्बू गोशा भी आएगा भाई, ये आ गया जी पपीता, अच्छा शक्करकंदी भी डालते हैं, और इसमें आलू भी पड़ेगा। अच्छा आलू भी पड़ेगा, मसाला, ये मसाला आ गया, काला नमक, चटनी, अच्छा एक खट्टी चटनी है, मीठी चटनी, अच्छा मीठी चटनी इधर रखी, सौंठ इधर है, ये मतलब इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर। हाँ जी, ये देखिए चाट रेडी है जी, खट्टी मीठी चटपटी। और भैया कितने की है ये चाट? 70 की ये चाट है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी सीपी में। कौन से ब्लॉक में भैया, एक बार एड्रेस बता दीजिए। जी और आपकी टाइमिंग? 9 से 9। और एक चीज मैंने और सुनी है भैया कि यहाँ पे कॉफी बनाने के लिए आप जनरेटर चलाते हैं, कहाँ पे दिखाइए सर। भाई कॉफी बनाने के लिए यहाँ पे जनरेटर चलाया जाता है, वो क्यों भैया यहाँ पे मतलब कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक लाइट का और पंखे का कनेक्शन है? पंखा बैटरी से चलाता है। अच्छा पंखा भी बैटरी से? अरे हुआ तो कल का मच जाएगा। चाट के लिए ना, इस चाट के लिए लिटरली लाइन लगती है, लंच टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका नंबर ही नहीं आएगा भाई साहब, आप सोच लो कि चाट मिलेगी नहीं आपको। भाई साहब इसका मेन तो जायका जो है चटनी का है और मसाले का है, और भाई ये वाली जो चाट है ना आपने शादियों पे बहुत एंजॉय करी होगी। हियर्स अ बिग बाइटा, आज बहुत दिन बाद बिग बाइटा ले रहे हैं हम। हियर्स अ बाइट। ये तो भाई साहब जितना खाओ उतना कम है भाई, ये दिल्ली के अंदाज वाला है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम कड़क, फ्रूट का तो फ्लेवर आ ही रहा है, साथ में जो मसाले और जो इमली की चटनी है और साथ में जो पुदीने की चटनी आ रही थी, भाई साहब जबरदस्त चटोरी है। ओके सर,
भैया ये क्या चीज है? हाजी टकोड़े दिखाइए एक। ये तो करेले जैसा लग रहा है भैया। देसी करेला है ना? देसी करेला है। देसी करेला। ये कड़वा होता है? बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है। अरे वाह, सब कभी ऐसी चीज ही नहीं देखी है। बेस का क्या रेट होता है? 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो। और वो लहसुन है? ये कौन सा लहसुन है सर? कश्मीरी लहसुन है। कश्मीरी लहसुन है, वाह। ये कीवी जैसा लग रहा है ना? और ये हल्दी है? वाह भैया, आपका नाम? प्रकाश जी। तो भाई अगर आपको ये सब चीजें खरीदनी है ना तो केजी मार्ग पे प्रकाश जी के पास आ जाओ। और यहाँ पे आपको भैया कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं आप? 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 9 बजे तक रात तक। अच्छा, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। दिल्ली वालों अगर सीपी में एवोकाडोस लेने आ रहे हो ना तो यहाँ पे भैया के पास आना। भैया आपका नाम? कमलेश जी। यहाँ पे देखो 100 रुपए में 2 एवोकाडोस दे रहे हैं भैया। अभी हम आए जी मोंगा स्नैक्स, जहाँ का ब्रेड पकोड़ा भाई पूरे सीपी में वर्ल्ड फेमस है। एक ब्रेड पकोड़ा दे दीजिए प्लीज। एक ब्रेड पकोड़ा सर को। सर 25 का है ना? इधर मेन्यू है जी। और कितनी पुरानी दुकान है सर ये? 74 ईयर्स या 1974? 1974। अरे वाह, यहाँ का जो ब्रेड पकौड़ा है ना सर, बहुत दूर से तारीफ सुन के आ रहे हैं हम। कुछ इस तरीके का सेटअप है जी। यहाँ पे आपको वो कॉफ़ी भी मिल जाएगी पुराने स्टाइल की, और यहाँ पे साथ में आपको मिलेगा जी ब्रेड पकौड़ा। और हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है वो इधर आ गया है जी। एंड साथ में ये 5 का सिक्का है चेंज वापस, और ये है जी ब्रेड पकौड़ा। सर ये चटनी नारियल की किस चीज़ की है? पुदीने की है। तो ये वाइट कैसे हो गई सर? हाजी दूध डालते हैं। अरे वाह, तो ये है जी ब्रेड पकौड़ा। स्वाद बटांदरा करते हैं भाई साहब, पकड़िए। ये है ब्रेड पकौड़ा। इसको पहले तो ये देखो, नीचे जो चटनी है एकदम अलग कलर की है। पुदीने की चटनी लगी नहीं है, बट है पुदीने की चटनी। और इसको मुझे बोला गया है कि 2 हिस्सों में काटना है। भाई गर्म बहुत है। ओ वाह 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 वाह, धुएँ भाई ज़बरदस्त यार। इधर देखो भाई, अंदर आलू तो है ही नहीं है। सर इसमें आलू नहीं डालते आप? पनीर, इसमें पनीर, सिर्फ पनीर और मसाले हैं जी, इसमें आलू है ही नहीं। और सीपी वाले ऐसे ही नहीं लाइन लगाते भाई। ये देखो ज़बरदस्त है एकदम। चटनी के अंदर वैसे डिप ये हो रखा है, बट मैं कोशिश ये करूँगा इसको करने की। तो ये हो गया जी अच्छे से डिप चटनी के अंदर। एंड हियर्स अ बाइट। ओ भाई साहब, एकदम अलग। पुदीने की चटनी के अंदर ऐसा लग रहा है खसखस डाली हुई है, बट खसखस नहीं है, इसमें दूध और दही और पुदीना है भाई। इतनी ज़बरदस्त चटनी है। ब्रेड पकौड़े के अंदर सिर्फ पनीर है, नो मटर, नो आलू, नथिंग, सिर्फ पनीर और मसाले। मोंगा स्नैक्स 12 खंबा रोड। मेरी रिकमेंडेशन, ये ब्रेड पकौड़ा ज़रूर खाओ। 25 रुपये खर्चो, आपको 2500 का मज़ा आएगा। और भाई साहब अभी हम सीपी में जिस जगह आए हैं, यहाँ पे आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी, एकदम बढ़िया देसी खाना मिलेगा, पंजाबी खाना, कनॉट प्लेस में एक पंजाबी ढाबे पे। और यहाँ पे तो बेस्ट पार्ट है कि सब कुछ जो है एकदम वेजिटेरियन। नॉन वेज ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट वेज ऑप्शन एक ही है और बहुत ज़्यादा मस्त है। अब आपको दिखाते हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि ये कितना पुराना ढाबा है? 60 साल पुराना है। अरे वाह, 60 साल मतलब 1968। जी जी। और क्या क्या होता है सर यहाँ पे? जी ये है जी मिक्स वेज, चाम मसाला आ गया, पालक पनीर, बैंगन का भरता, दाल मखनी। वाह जी वाह, दाल मखनी को एकदम खोटा मार दिया है। ये है जी शाही पनीर, बहुत बढ़िया भाई साहब। बोन चाइना की प्लेट्स में, चीनी की प्लेट्स में यहाँ पे आपको दाल सर्व करी जाएगी। और ऊपर से आ गया जी रोगन। सर चांप का एक ही पीस रखिएगा, क्योंकि 2 पीस ना हैवी हो जाएंगे, हमने बहुत खा लिया है आज। ये देखो चांप। अब खा के आप एक और मांगोगे, कहोगे बहुत बढ़िया। ये भी बात एकदम सच है सर, क्योंकि हम भुक्कड़ हैं, आपको मालूम है। एक दिन खोया पनीर, अगले दिन पाया पनीर। ठीक है सर जी। ये आ गया जी खोया पनीर। ये जी खोया पनीर, तो ये बाइट इसकी बनाते हैं यहाँ से तोड़ के भाई साहब। ओहो, ये देख रहे हो पनीर, देखो एकदम मक्खन की तरह। ऊपर से ये ग्रेवी आ गई भाई साहब। खीर से भाई, शादियों वाला पनीर है ऐसा लग रहा है, किसी की शादी में बैठ के खाना खा रहा हूँ। जो मसाला चाप है इसको भी यहाँ से हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको
इसकी स्टिक जो है निकाल लेते हैं। ये आ गया जी चांप का पीस एंड हियर्स अ भाई, जैसे मटन रोगन जोश होता है ना, एग्जैक्ट वही फ्लेवर है जो आपको मटन रोगन जोश में देखने मिल जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट दिस इज वेजिटेरियन। लगे हाथ दाल भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखो डुबकी मारी, ये आ गई दाल। हियर्स अ बाइट। दिल्ली में बाकी जगहों पे ना आपको मसालेदार दाल मखनी मिलेगी, काफ़ी हैवी। ये जो है दिस इज एब्सोल्युटली सटल, क्रीमी है, सब्सटेंशियल है बट मसालेदार नहीं है। इसमें जो दूध है या क्रीम है उसका बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है। हाल में पानी की तो कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, दूध और क्रीम की कंसिस्टेंसी है। ये प्याज, इसके ऊपर जो मसाला डाला हुआ है ना, ये मेरे जैसे चटोरियों का फेवरेट है और मुझे पता है आपका भी फेवरेट है। भाई साहब अभी हम जिस जगह आए हैं, यहाँ पे एक अंकल जी है लालचंद जी, जो कि मीठा लगाते हैं रोज के रोज। जो है मैंने सुना है ये पहाड़गंज से आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मिठास है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट्स हैं यहाँ पे। और सीपी में जितने भी लोग ऑफिस आते हैं यहाँ पे लंच के बाद इन्हीं अंकल के पास आते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या खास है। लालचंद जी हमारे लिए यहाँ पे लगा रहे हैं जी रबड़ी कुल्फी फलूदा। कुल्फी आई जी, फलूदा, ये फलूदा आ गया, फिर रबड़ी आ गया। अच्छा रबड़ी भी साथ में। अब सर आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से आते हैं रोज? नहीं, तो पहाड़गंज रहते हैं। अच्छा पहाड़गंज रहते हैं, पहाड़गंज से भैया रोज यहाँ पे लगाते हैं। भैया सेटअप एरिया क्या है, लोकेशन क्या है ये वाली? ये जी कनॉट प्लेस है, बारह खंबा, न्यू दिल्ली हाउस जी, न्यू दिल्ली हाउस के बाहर कनॉट प्लेस बारह खंबा, मेट्रो स्टेशन 6 नंबर गेट। और ये कितने का है सर? 50 रुपये। 50 रुपये का है भाई। ऊपर से फिर से कुल्फी, ये लीजिए एक बार रबड़ी और ऊपर से रूह अफ़ज़ा। और लालचंद जी जो बाकी सामान है एक बार वो भी दिखा दीजिए, एक बार हाथ चला के क्या क्या है अपने पास। ये रसमलाई, ये है जी रसमलाई, बढ़िया। ये रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है। वाह, कटोरी रख के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कटोरी में कैसा लगेगा, है ना भैया। ये गर्म गुलाब जामुन है, वाह। ये आ गए जी गरम गुलाब जामुन, ये तो रख लिया आपने कटोरी में कि ये तो ले ही जाओ। भाई साहब कुछ ऐसा दिखने वाला रबड़ी फलूदा है, इसमें कुल्फी है, भर भर के रबड़ी है और साथ में रूह अफ़ज़ा है जी। और फलूदा जो है वो थोड़ा नीचे रह गया, बट नेक्स्ट बाइट में आएगा। अभी एक बाइट इसकी ट्राई करते हैं, रूह अफ़ज़ा वाला रबड़ी फलूदा। डीपी में अगर आप घूम रहे हो और स्ट्रीट फूड वॉक को कंक्लूड करना है ना, इसी के साथ करना भाई। एकदम गाढ़ी रबड़ी है, मीठा एकदम बराबर है, ना ज्यादा ना कम। में टेस्ट आ रहा है हल्का हल्का पिस्ता का भी, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए जिंदाबाद साथ पंजाब हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अमेजिंग प्लेसेस, अमेजिंग फूड, तो भाई ये देखो।